यस प्रिय छात्रों, पिछले उसमें हमने बहुभुज की अंत्यकोणों और बहिष्कोणों के योग के सूत्र लिखाए थे। आज हम उदाहरण ले रहे हैं एक समबहुभुज में भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या यानी n बराबर 10 दे रखी। प्रत्येक अंत्यकोण समबहुभुज है तो प्रत्येक अंत्यकोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंत्यकोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंत्यकोण ज्ञात सम बहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण बराबर होता है 2n-4/n × 90°। तो n बराबर हमको 10 दिया है तो 2×10-4/10 × 90 दस नाम 90 20-4×9 16×9=144। तो किसी भी बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या समबहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या यदि 10 है तो उसका प्रत्येक जो अंत्यकोण है वो होगा 144°। एक सप्तभुज के अगला उदाहरण अगला उदाहरण देखिए। एक सप्तभुज के समस्त अंत्यकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो यहां पर n बराबर कितना दे रखा है 7। सप्तभुज है तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 7। सप्त या n भुजाओं वाले बहुभुज के समस्त अंत्यकोणों का योग बराबर 2n-4×90। तो 2×7-4×9 7×14-4×90 तो 10×90=900°। किसी भी सप्तभुज के चाहे वो समबहुभुज है चाहे विषमबहुभुज है उसके समस्त अंत्यकोणों का योग होगा 900°। तो देखें उदाहरण नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8। एक समबहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान सम बहुभुज समबहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण
बराबर 175 डिग्री, एन बराबर हमको ज्ञात करना है। देखिए आप चाहे अंतःकोण से कर लें चाहे बहिष्कोण से कर लें, दोनों ही मेथड देखें। सम एन भुजाओं वाले समबहुभुज के सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है 2n-4 अपॉन एन इंटू 90 डिग्री। मान रख दें एक अंतःकोण का मान दे रखा है 175, तो 2n मल्टीप्लाई कर लें 180n-9 × 36/n, वज्र गुणा कर दें ये बटे एक लगा लें इसको इससे, तो 180n-360 = 175n। पक्षांतरण कर लें 180n-175n = 360 डिग्री, 5n = 360 डिग्री और n बराबर 360/5, n = 5, 7, 35 और 5 × 2 = 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी, 72। कितनी देर हो गई, अच्छा। अब देखें उदाहरण नंबर 9, 3-4। एग्जाम्पल नंबर 9, क्या एक ऐसा समबहुभुज बनाया जा सकता है जिसका प्रत्येक अंतःकोण एक अंतःकोण यानी 115 डिग्री का हो? क्या कोई ऐसा बहुभुज है समबहुभुज? तो ये दे रखा है अपन को, तो अपन यहां पर बहिष्कोण से ले लें, क्योंकि अंतःकोण एक अंतःकोण प्लस एक बहिष्कोण बराबर होता है 180 डिग्री। तो बहिष्कोण अंतःकोण दे रखा है अपन को 115 डिग्री प्लस बहिष्कोण हो गया अपना 180, बहिष्कोण बराबर 180 - 115 डिग्री। तो बहिष्कोण निकाल लिया अपन ने, ये आ गया अपना 65 डिग्री, बहिष्कोण 65 आ गया। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का एक सम बहुभुज के एक या प्रत्येक बहिष्कोण का बहिष्कोण बराबर 360/n। तो एक बहिष्कोण हमको दिया है 65 = 360/n, वज्रगुणा कर दें 65n = 360 और n बराबर हो गया 360/65। तो 65 का इसमें भाग लगा दें अपन
तो ये आ गया 13, 5 से काट रहा हूँ, 5, 7, 35, 5, 2, 10, एन बराबर 72/13, जो एन बराबर 13×5, 65, 65/7, 13, जो इज नॉट इक्वल टू, जो हम कह दें जो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अतः 115 डिग्री अंत कोण का कोई भी समबहु भुज नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये उदाहरण नंबर 9 समाप्त हुआ। अब आप देखें प्रश्नमाला 6.2, प्रश्नमाला 6.2 एक समबहुभुज में 8 भुजाएं हैं तो उसके सभी बहिष्कोणों के माप का योग बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, एन बराबर कितना दे रखा है, 8, तो सभी बहिष्कोणों के, तो देखिए नंबर 1 कोई भी बहुभुज है उसके समस्त बहिष्कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। तो चाहे उसमें भुजाएं 8 हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, तो किसी भी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग व बहिष्कोणों का योग किसी भी बहुभुज या समबहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। सभी अंतःकोणों का व प्रत्येक बहिष्कोण का माप बताइए। नंबर 2, तो एक बहिष्कोण बराबर होता है 360/n, तो 360 में अपन 8 का भाग लगा दें, 8 × 32, 8×5, 40, 45 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, सभी अंतःकोणों के माप का योग ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, नंबर 3, समस्त अंतःकोणों का योग बराबर होता है 2n-4×90, तो 2 गुणा भुजाओं की संख्या कितनी है, 8-4×90, 8 × 16 -4×90, 12×90, 12 × 108, 1080 डिग्री होता है किसी भी अष्टभुज प्रत्येक अंतःकोण का मान। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है, एक अंतःकोण बराबर होता है 2n-4×90/n, अर्थात 1080, 2n-4×90 हमने निकाल रखा है, बटे कितना कर दें, 8, तो 8 का भाग लगाएं, 8 × 8, 8 × 8, तो कितने बच गए, 2 बच गए, 8 +
24, आठतिया 24, यहाँ पर फटाफट आठ तिया चौबीस, दो चार बचे 48 डिग्री, तो ये हो गया 135 डिग्री। अब आप देखें अगला क्वेश्चन, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग दे रखा है आपको 2160 डिग्री। बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग का सूत्र होता है 2n-4 × 90। तो इसलिए 2n-4 × 90 बराबर हो गया 2160। 2n-4 बराबर 2160 बटे 90, 0 से 0 कटा, 9 दूना 18 और 9 चौके 36, तो 2n बराबर 24 + 4, 2n = 28 और n = 28/2 अर्थात 14। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 14, n = 14 हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखें अपन। क्या 137 डिग्री के प्रत्येक अंतःकोण वाला कोई बहुभुज हो सकता है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3। एक अंतःकोण बराबर 137 डिग्री, तो इसका कोई हम